दोस्तों, आपने ज़िंदगी में सिर्फ पानी की बारिश देखी होगी, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ आसमान से प्लास्टिक की बारिश होती है। जी हाँ, सही सुना, प्लास्टिक की बारिश। सुनकर चौंक गए होगे, मैं भी ऐसे ही चौंका था, इसलिए सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, अमेरिका में प्लास्टिक की बारिश हो रही है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आसमान में चारों तरफ प्लास्टिक ही छा गई है। कम से कम 1100 टन माइक्रोप्लास्टिक दिख रही है। पहले माइक्रोप्लास्टिक जानवरों के शरीर में पाई जाती थी, लेकिन अब इंसानों के शरीर में भी पाई गई है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 84% माइक्रोप्लास्टिक एयरबॉर्न है, जो कि वेस्टर्न अमेरिका के कुछ शहरों के रोड के आसपास से उड़कर आसमान में छा गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 11% माइक्रोप्लास्टिक हवा के जरिए समुद्र की तरफ से आई है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्र जीव के लिए हानिकारक है ही, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो मानव जाति के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। महासागरों के प्रदूषण का एकमेव कारण है, वो है प्लास्टिक। और पिछले 10 सालों में महासागरों में प्लास्टिक कचरे की भरमार मिली है। जानने लायक और एक बात यह है कि माइक्रोप्लास्टिक की लंबाई 5 mm से भी कम है। ये प्लास्टिक बैग और बोतल से बनी हुई है, जो इंसान ने पानी में फेंक दी थी। वही प्लास्टिक अब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गई है। एक स्टडी के अनुसार वॉशिंग पाउडर भी एक माइक्रोप्लास्टिक का ही सोर्स है। आपको ये तो पता है कि प्लास्टिक कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ अपने लिए ही क्यों ना हो, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।